Hello and welcome. We are doing Merchant of Venice. And in my previous video, you have seen lines 1 to 74. And today we are going to do from thereafter, lines 75 to about that time where Lorenzo and Graciano will also leave the stage. A quick glimpse at the previous part. Antonio was sad. Salerno and Celano were trying to cheer him up. Then Bassanio, Lorenzo and Graciano appear on the stage and these two leave. Now we will move forward from there. As in the previous part, in this part also we are going to learn the text, word meanings, literary devices and the key points as to what happens in this particular part of the scene. Now just as Salerno and Celano had noticed Antonio's sadness, Graciano also takes one look at Antony's face and he understands that Antony has something happened. He says, "You look not well, Signor Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it, they do, buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed." He says, "Signor Antonio," meaning Antonio, "sir, you don't look well. What has happened? You don't look well. You have too much respect upon this world. You take too much of tension. You take too much worry. Aap bekaar mein hi pareshan rehte ho. But main aapko bataun ki jo log yun hi pareshan rehte hain ya duniya bhar ki tension apne mein leke chalte hain, wo apna peace of mind kho dete hain." To aapke saath bhi kahin aisa hi to nahi ho raha ki aap duniya bhar ki apne sar pe lade hue hain unki bojh, परेशानियों का बोझ. They lose it, they do buy it with much care. जब हम बहुत ज्यादा वरी करते हैं तो पीस ऑफ माइंड खो देते हैं या वो अब हम अपना नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मार्केट जाते हैं, मान लीजिए हमने कोई ड्रेस खरीदनी है. एक है शॉपिंग का तरीका कि जैसे कोई ड्रेस समझ में आई उसे हमने ले लिया, ठीक है, वो क्योंकि एक झलक में पसंद आ गई थी. एक ये है तरीका कि हमने ड्रेस देखी, अच्छी तो लगी, बट उसे कहा दूसरी भी दिखाना, वो वाली भी दिखाना, वो वाली भी दिखाना, करते करते बहुत सारी ड्रेसेस हो गई. अब उसमें से एक चूज करनी थी, परेशान हो गए कौन सी चूज करें. आखिरकार एक चूज करके घर ले आते हैं और घर आके सोचते हैं, नहीं वो वाली अच्छी थी. तो क्या हुआ, जो चीज लेकर आए उससे भी हम खुश नहीं होते. बट पहले वाले केस में क्या हुआ, एक देखी, एक पसंद आई, ले आए, खुश हो गए. तो बहुत ज्यादा वरी करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है. बिलीव मी, यू आर मार्वेलसली चेंज. आप तो बिल्कुल ही बदल गए हो, एकदम चेंज हो गए हो. यू मार्वेलसली ग्रेटली चेंज. एंटोनियो, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज अ वर्ल्ड, ग्रिशियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट. एंटोनियो तो वैसे ही सैड मूड में था, फिलोसफी के मूड में था. कहता है, ग्रिशियानो क्या है, मैं तो इस दुनिया को वैसे ही देखता हूं जैसी ये दुनिया है. ये दुनिया क्या है, एक स्टेज है, रंगमंच है, और हम तो एक्टर्स हैं, और मुझे जो रोल मिला है वो तो सैड रोल है, इसलिए मुझे ये सैड रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा. ये मेरा रोल है इस स्टेज पे, इस वर्ल्ड में. सो फिगर ऑफ स्पीच यूज दिस मेटाफोर. इस दुनिया को एक स्टेज से कंपेयर किया गया है. दिस इज द मेटाफोर. एंड माइन अ सैड वन. मेरा रोल तो सैड रोल है. इतना सुनना था ग्रेशियानो बिल्कुल एकदम भड़क जाता है. जैसे कहता है, लेट मी प्ले द फूल. कह रहा, ना 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 ना, मुझे नहीं इस बात समझ में आई. दुनिया स्टेज है, ओके, बस सैड रोल क्यों प्ले करना है, मैं तो फूल वाला रोल प्ले करूंगा, हंसी मजाक वाला बंदा बन जाऊंगा. नो, आई विल प्ले द रोल ऑफ अ फूल वेयर आई कैन हैव फन विद मर्ट एंड लाफ्टर, लेट ओल्ड रिंकल्स कम. मुझे कोई परवाह नहीं है मैं कितना हंसूं, मैं हंसना चाहता हूँ. नाउ द रेफरेंस इज, जब हम बहुत ज्यादा हंसते हैं तो कभी कहते हैं ना, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए. सो जब हम हंसते हैं ज्यादा, आंखें इस तरह से हम भीच लेते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स से पड़ जाते हैं. तो ज्यादा हंसने से भी यहाँ पे रिंकल दिखाई देने लगते हैं, क्रोज फीट बोलते हैं इसको. तो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर मेरे फेस पे झुर्रियां नजर भी आने लगे बुढ़ापे से पहले भी तो कोई दिक्कत नहीं है. आई वॉन्ट टू प्ले द रोल ऑफ अ फूल. और ही माइट मीन कि मैं तो हंसते हंसते चाहे बूढ़ा हो जाऊं या बुढ़ापे में भी हंसना ही चाहूंगा, रोना नहीं चाहूंगा कभी भी. एंड लेट माई लिवर रादर हीट विद वाइन देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स. और मैं तो वाइन पीऊंगा, मौज मस्ती करूंगा. नाउ दे से वाइन इज नॉट गुड फॉर लिवर,
But at the same time, it is said that when a person's liver gets heated, it produces good circulation of blood. Okay, so he says, I would rather. मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ लाइफ में कि मैं हमेशा खुश रहूँ. कहते हैं कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा ब्लड बनता है और ज्यादा खून बढ़ता है. तो कहता है मैं तो अपना खून बढ़ा के रखूंगा, वाइन भी पीऊंगा, मौज मस्ती भी करूंगा. ठीक है, माय लिवर, अगर इस पूरे खेल में मेरा लिवर डैमेज भी हो जाए तो कोई बात नहीं. देन माय हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग रोल्स. मैं नहीं चाहता कि एक कोने में बैठ के हाय हाय करूं लाइफ के बारे में. ऐसा करने से क्या होगा, मेरे हार्ट से ब्लड पंप होना कम हो जाएगा. इट इज सेड दैट व्हेन वी आर सैड, ओके, द ब्लड कंटेंट श्रिंक्स, द ब्लड थिकन्स, इट श्रिंक्स, ओके, एंड वी लूज ऑन एनर्जी. सो ही वांट्स, ही सेज, मैं तो हाई एनर्जी पे रहना चाहता हूं. व्हाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विदिन सिट लाइक एस लाइक हिज ग्रैंडसायर कट इन एलो वेरा. और वैसे भी जो आदमी यंग है, हॉट ब्लड है उसके अंदर, ऐसे कैसे ही कोने में बैठ जाए जैसे कि ग्रैंड पापा बैठे हैं, ग्रैंड फादर बैठे हैं. अब ओल्ड पीपल का क्या है, उनकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती, वो एक जगह अगर एक पोजीशन में बैठे हैं तो बैठे रह सकते हैं. ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई स्टैचू बन गई हो. और एलोवेस्टर की खैर स्टैचूज बना करती थी चर्चेस में लगाने के लिए. तो इसे ऐसा क्यों करना है, जब अगर हम यंग है, खून गर्म है, तो क्यों बैठ जाए एक कोने में. इट इज टाइम फॉर अस टू एंजॉय लाइफ. स्लीप मेनी वेक्स एंड क्रीप इन टू द जॉन्डिस बाय बीइंग फेविश. क्यों करना है ऐसा कि जाग तो गए मगर अभी भी नींद आ रही है, एनर्जी नहीं है, और नेचर क्या है, बहुत इरिटेबल हो गया है, बात बात में गुस्सा सा आ जाए, ठीक है, पीविश हो जाए आदमी. और जैसा कि मानना है कि इंसान जब बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, इरिटेबल हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे जॉन्डिस हो जाता है. ही सेज, मेरे को नहीं चाहिए जॉन्डिस, व्हाई शुड आई डू दिस, आई वांट टू लिव लाइफ इन अ हैप्पी मैनर. नाउ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज सिमिली. सिमिली इज अ कंपैरिजन. That why should a man sit like his grandfather? Like his grandfather. Another simile uses Elizabethan beliefs. कि क्या believe किया जा रहा है liver के बारे में, heart के बारे में. I tell thee Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. He says Antonio, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपकी परवाह करता हूँ, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, वरना नहीं बताता. You are my good friend, I want to bring you out of this sadness. That is why I am speaking like this. There are a sort of men whose visages do cream and mantle like a tanning horn. कुछ लोग ऐसा होते हैं जो जानबूझकर deliberately put on a very serious expression. The expression is so serious, they don't want to change it. It is like the greens come on a pot of water which is stagnant. जहां पानी रुका रहता है तो उसके ऊपर एक green substance जम जाती है रुके हुए पानी पे. तो वैसे ही उनके चेहरों पे ये एक रुके हुए एक्सप्रेशन फिक्स हो जाती है. दे वॉन्ट टू शो अदर्स दैट दे आर वेरी वाइज. बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए दुनिया को, दुनिया के सामने बोल बोल के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते. तो ऐसे लोग होते हैं जो हो सकता है अंदर से इंटेलिजेंट ना हो, वाइज ना हो, बट लोगों को दिखाना चाहते हैं. एंड डू वाज विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी. और ये चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें और समझें कि अरे ये तो बहुत महात्मा आदमी है, बड़ा ज्ञानी है, बहुत वाइज है, इसमें डीप थॉट्स हैं, ओके, बट ऐसा होगा नहीं शायद, वो डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं. एज हु शुड से आई एम सर ओरेकल एंड व्हेन आई ओपन माय लिप्स लेट नो डॉग बार्क. इन्हें देख के ऐसा लगेगा जैसे ये कह रहे हो कि जब हम बोले हैं तो ऐसा लगे कि हम तो हैं सर ओरेकल. सर ओरेकल मीनिंग अ प्रीस्ट, a Roman priest. It is believed that the God speaks through the oracle. तो oracle जो बोलेगा वो God ने बताया हुआ है उसे, वो वही बोलेगा. तो oracle लोगों को बताएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कि अगर हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होगी, और यदि हम sin करते हैं तो उसका क्या परिणाम. तो ये लोग जो जानबूझकर अपने फेस पे सीरियसनेस रखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये चाह रहे हो कि हम समझ लें कि ये तो सर ओरेकल की तरह है, और जब ये बोले तो आस पास के सारे लोग शांत हो जाएं. लेट नो डॉग बार्क, दिस इज ऑल्सो प्रोवर्ब विच सेज दैट व्हेन दिस पर्सन स्पीक्स नॉट इवन अ डॉग शुड डिस्टर्ब. There should not be any disturbance. Figure of speech is used as simile, allusion and proverbial phrase. Figure of speech, simile, like a standing pond. उनका जो expression है वो like a standing pond है. ऐसा pond जहाँ पे पानी रुका हुआ है और उसपे हर एक काई जम गई है. Allusion, allusion is to the story of Sir Oracle and proverbial phrase, let no dog
bark. Oh my Antonio, I do know these. Therefore, are only reputed wise for saying nothing. He says, Antonio, yakeen mano. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो अंदर से खोखले हैं. दे आर नथिंग, दे आर हॉलो शैम्स, दे हैव नो इंटेलिजेंस, नो विथ. वो जानबूझ के ऐसा करते हैं. दे आर डेलिबरेट. आई एम वेरी श्योर इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज इयर्स व्हिच हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल. और आई एम वेरी वेरी श्योर व्हेन दीज पीपल विल स्पीक दोज हु आर गोइंग टू हियर विल shut their ears, damn their ears, because they don't want to hear those words and they will call their brothers fools. Now, those ears here stands for all the listeners. Yani ki listeners jo log sun rahe hain, un logo ko batane ke liye, un logo ke baare mein batane ke liye Shakespeare ne word use kara hai, ek single word, ears. So this is the case of synecdoche. One word से पूरे लोग describe कर दिए हैं. He says वो अपने कान ही बंद कर लें, right? Would call their brothers fools. और अपने वो जो brother जो उनका बोल रहा है उसको fools बुलाने की वो ज़रूरत भी कर सकें. Now to call a brother fool was an act of damnation. Damnation means you will go to hell. आप अपने भाई को कैसे fool कह सकते हो? No, this is a sin. And you will go to hell for this. तो वो hell जाने के risk उठा सकते हैं, अपने कान बंद कर सकते हैं और बोले ये तो बिल्कुल ही बेकार बोल रहा है, बकवास बोल रहा है. I will tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait for this fool gudgeon this opinion. He says, Antonio, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, but ये सब मैं आपको बाद में बताता हूँ. जब हम दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए एक ही एडवाइस है आपके लिए कि आप ये चेंज कर लो अपना एक्सप्रेशन. You start being happy and don't seek opinion of people because people's opinion don't matter. Ye cheap. He says don't seek opinion of people about yourself. You don't need to do this. And then he gives example of the fish gudgeon. He says don't use your sadness to earn the opinion of people. Like this fish gudgeon, it's a small fish. This fish is a foolish fish. It will catch any bait. Machli ke kaante pe kuch कीड़ा लोग देते हैं मछली फंसाने के लिए, ये फिश उसको जल्दी से पकड़ लेती है, मुंह में डाल लेती है अपने, उसको ये ध्यान नहीं रहता उससे वो पकड़ी जाएगी. फुलिश फिश है बहुत ज्यादा और जल्दी ही पकड़ी जाती है. बट जो फिशिंग कर रहा होता है वो जब ये फिश आ जाती है उसके हाथ में, देखता है फिश आ गई, बट जैसे ही वो फिश को देखता है कि बेकार फिश है, ये तो चाहिए भी नहीं थी, इससे तो कुछ इनकम नहीं होगी इस फिश से. यू नो दिस गजन फिश इज नॉट अ वेरी प्राइज फिश. सो ऐसा आप मत करें. अपना सीरियसनेस का जो आपका इस समय जो आप फील कर रहे हो थोड़ा सा चेंज करो. कम गुड लोरेंजो, फेयर यू वेल, व्हाइल आई विल एंड माय एक्सहॉर्टेशन आफ्टर डिनर. इसे चलो लोरेंजो हम यहाँ से चलते हैं. आज डिनर के बाद ये वाला टॉपिक दोबारा से छिड़ेगा और आगे की बात मैं डिनर के बाद बताऊंगा. फिगर ऑफ स्पीचेस यूज्ड आर मेटाफोर, सिनेकडोकी एंड प्रोवर्बियल फ्रेजेस. अब जाते जाते लोरेंजो भी एक बात बोल देता है. वेल वी विल लीव यू टिल देन, टिल डिनर टाइम. आई मस्ट बी वन ऑफ दीज डम वाइज मेन फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक. ही सेज हाँ हम जा रहे हैं, डिनर टाइम पे मिलते हैं. और वैसे मुझे लगता है कि ग्रेशियानो के साथ रह के मैं वो वाइज मैन बन गया हूँ जो कि जानबूझ के चुप रहते हैं. बट मैं यह जानबूझ के चुप नहीं रहता हूँ, बाय डिफॉल्ट हो गया हूँ क्योंकि ग्रेशियानो मुझे कुछ बोले ही नहीं देता तभी मैं चुप रहता हूँ. ग्रेशियानो, वेल कीप मी कंपनी फॉर 2 years मोर, थाउ शैल नॉट नो द साउंड ऑफ द नोन टंग. ग्रेशियानो सेज बट दो साल मेरे साथ और रह लो, तुम तो अपनी आवाज भी भूल जाओगे. ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें बोल बोल के जरा भी मौका नहीं दूंगा कुछ भी बोलने का. इतना जितना बोल रहे हो उतना भी नहीं बोलोगे तब, और अपनी आवाज भी भूल जाओगे. एंड देन दे बोथ ऑफ देम गो फ्रॉम हियर. फेयरवेल, आई विल ग्रो अ टॉको फॉर दिस गेयर. सो एंटोनियो कहता है चलो ठीक है बाय. और क्योंकि तुमने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है तो तुम्हारे इस मोटिवेशन को लेते हुए मैं अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगा. आई विल ग्रो अ टॉकर, मैं भी बातचीत करूंगा, अब मैं बसानियों के साथ बातचीत करूंगा. ग्रेशियानो, थैंक्स इन फेथ, दिस इज गुड, कुछ तो फायदा हुआ मेरे बोलने का, थैंक यू. फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स सम ड्राइव. क्योंकि साइलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्स की टंग यानी कि ऑक्स की जीभ पर ही अच्छा लगता है,
वो ऑक्स की जीव जिसे आपके खाने के लिए अच्छी सी डिश प्रिपेयर करके रखा हो। अब मरा हुआ ऑक्स जिसे मारा गया डिश बनाने के लिए, एक उसकी डेलिकेसी बनती है उसकी टंग को यूज करके। सो ग्रिशानो हियर इज यू नो रेफरिंग टू गुड फूड। सो इसे जब ऑक्स की टंग जो है वो टेबल पे पड़ी हो डिश के रूप में तभी अच्छी लगती है उसमें साइलेंस, राइट? सो इट इज गुड दैट यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टॉकर। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज मेटाफोर। साइलेंस इज कंपेयर्ड टू ऑक्स टंग। So this is the end of part 2. What have we learnt? A sense of foreboding is created and mind a sad one. This is to say that coming events cast their shadows much before. Jab Antonio kehta hai ki my role is a sad one. So audience, you know, begin to wonder why. And they feel that something is going to happen to Antonio. So there will be that element of suspense. Ki kya hoga? Aage ki kahani mein क्या होता है? ग्रेशियानो एंड लोरेंजो लीव द स्टेज। ऑडियंस लुक फॉरवर्ड टू पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन एंटोनियो एंड बिसानियो। ये बताया गया कि एंटोनियो और बिसानियो अच्छे दोस्त हैं और अब वो दोनों अकेले हो गए हैं, तो अब वो क्या बातें करेंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग विषय होगा रीडर्स के लिए या ऑडियंस के लिए। यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीचेस वी हैव सीन इन दोज लाइंस, सिमिली, मेटाफोर्स, एनेक्डोटल, एलुजन, प्रोवर्बियल phrases. ये मैं आपको बीच बीच में समझा दूं। So this was the end of part 2 of act 1 scene 1. चलिए फिर मिलते हैं third part में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। Like it, subscribe it and press the bell icon. You can also share with your friends. Thank you.